हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन टेक्निक के बारे में और कैसे प्राइस एक्शन टेक्निक हमारे ट्रेडिंग जर्नी को और भी अच्छा बना सकते हैं, हम उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर देखते हैं कि प्राइस एक्शन को मैं कॉन्सेप्ट टूल के साथ कैसे उसको यूज़ कर सकता हूँ और कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस एक्शन की बात आती है, ठीक है, प्राइस एक्शन की बात आती है, तो आज आपको मैं कुछ दो नए प्राइस एक्शन के बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बात बता चुका हूं। ठीक है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको पियर्सिंग वाला बताया है, फिर एंगल्फिंग वाला बताया जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंगल्फिंग, और वहीं पर चार्ट पैटर्न में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, ठीक है, फ्लैग पैटर्न देखते हैं। ऑलराइट, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हम उसमें मार्किंग करते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें फ्लैग पैटर्न देखते हैं। ठीक है, फिर और भी एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा सा पैटर्न उसमें आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दो अलग पैटर्न के बारे में, जो देखोगे कि थोड़ा रेयरली फॉर्म होता है लेकिन आपको टारगेट बहुत बड़ा बड़ा देता है। ठीक है, उसमें आपको रेशियो बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा रेशियो मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको दो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, पहले का नाम है, जस्ट अ मिनट, पहला मैं आपको बात कर रहा हूँ हेड एंड शोल्डर के बारे में। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला मैं आपको बताऊंगा, यह एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, हम यूज करेंगे आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, दोनों ही बहुत फेमस है, दोनों ही आप देखोगे एक बड़े ट्रेड के लिए काम आता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको 3, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। ठीक है, और एक बड़े टारगेट के हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि हेड एंड शोल्डर को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यह बात हो रही है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, सो हेड एंड शोल्डर जैसे एक ह्यूमन होता है हमारा सर, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इस तरीके का जो इस तरीके का पैटर्न बनता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पर शोल्डर, ठीक है, फिर हेड, फिर आपका शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लेवल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, उसने यहाँ पर गया, यहाँ पर इसका 500 का लेवल बना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये 520 का बना, फिर अगेन ये 500, जरूरी नहीं कि ये 500 का ही बने, ये हो सकता है कि आपका 502 का बना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जनरली आप देखोगे ये हेड होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऊपर ये हेड की तरह से बनाता है, और ये जो है इन हिस्सों को शोल्डर बोला जाता है। ठीक है, इन हिस्सों को शोल्डर बोला जाता है। तो यहां पर जब भी ऐसा आपको पैटर्न मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक नेक लाइन जो है, नेक लाइन पे यहां पर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे, या तो फिर आप देखोगे कई बार ये आपको रेजिस्टेंस पर भी मिलता है। और अगर आपको ये रेजिस्टेंस पर मिला है तो वो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ऐसा अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के आपने वहाँ पर नेक लाइन ड्रॉ किया है और उसको नीचे ब्रेक डाउन करके अगर आता है तो आपको बहुत अच्छा टारगेट उसमें मिलता है। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे जब ये ऐसा बनेगा, ठीक है, प्राइस ऐसे 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 करके मूव करके आएगा, इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनाएगा और यहीं पर ब्रेक करके, ठीक है, इस तरीके से फ्लो के नीचे जाएगा। जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली नीचे जाए, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे साइडवेज कर रहा हो, ऐसे 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 करके वो आपस से वो नीचे जाने की संभावना उसकी रहती है। तो हेड एंड शोल्डर में आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बात जरूरी हमें देखना है, ठीक है, कि ये जो बीच वाला जो हेड होता है, ये जरूरी होता है कि इसकी हाइट ज़्यादा हो। अभी ये अगर ये तीनों के बराबर रहता है
तब हम उसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो तीनों को बराबर रहेगा, हम उसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे वहाँ पर, वो दूसरा एक प्राइजेक्शन पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ, तो मैं हेड एंड शोल्डर पर ही आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बीच वाला जो हेड है, ये जरूरी है कि ये इसका हाइट ज़्यादा हो और बाकी दो जो रहेंगे उससे कम ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आपको पिक्चर में क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर थोड़ा साइडवेज कर रहा है तो आप उसको शोल्डर मान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो मतलब अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्राइस मूव किया, ऐसे ऐसे यहाँ पर मूव करके ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया, तो ऐसे ऐसे करके गया है, तो ये मैं इसको हेड एंड शोल्डर बोलूँगा, ठीक है। भले इसका जो हाइट है इससे थोड़ा सा कम है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर, ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, तो ये आपका शोल्डर नहीं बना है, ठीक है। थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि कई बार आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। अभी जब टाइम फ्रेम की बात होती है, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया, टाइम फ्रेम की बात होती है, टाइम फ्रेम आपको अच्छा लेना पड़ता है कि 3 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, ठीक है। 1 मिनट वाले में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये वाला ट्रेड बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उससे होगा क्या कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा, उतना बड़ा टारगेट भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको कम ही ट्रेड मिलेगा, 3 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 दिन में एक मिले, हो सकता है हफ्ते भर में आपको 2-3 मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, हो सकता कई बार, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिटी ट्रेड इसमें मिलने की संभावना रहती है। ऑलराइट, तो हमने ये देख लिया, अभी ये तो हो गया ऊपर की ओर, थोड़ा डाउन साइड की ओर देखते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, ये डाउन साइड की ओर देखा, अभी ऊपर की ओर देखते हैं। तो प्राइस ऐसे ऐसे नीचे आया, ऐसे ऐसे यहाँ पर बनाया लेवल, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे नीचे बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बना के फिर ऐसे ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ये नेकलाइन यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कि डाउन साइड का जो ये लो पॉइंट है, ये सबसे लोवेस्ट होना चाहिए और ये बाकी उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और ये नेकलाइन जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मैं सीई बाय कर सकता हूँ या फिर मैं फ्यूचर को बाय कर सकता हूँ, ठीक है। स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बुलिश वाला है, तो अभी उसके स्टॉक को भी बाय करके आप होल्ड कर सकते हो अगर होल्ड करना चाहते हो तो, ठीक है। तो देख लिया आपने कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में देखते हैं कि कैसे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं कि मेरा फेवरेट स्टॉक जो है रिलायंस, तो एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ICICI बैंक यहाँ पर दिख रहा है, ऑलराइट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें कहीं पर हेड एंड शोल्डर में इसमें देख सकता हूँ, लेट मी चेक, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा मैं 3 मिनट वाले में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट वाले में मुझे ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। ऑलराइट, सो 3 मिनट वाले में हेड एंड शोल्डर ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर अगर नहीं मिल रहा तो हम नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, कि कहीं डाउन साइड में मिले। थोड़ा बड़ा भी मिलता है, कोई इशू नहीं है, वो बड़ा वाला भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिला है, तो खैर मुझे टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर मिला है। क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे ये एक लो बनाया है, ऊपर गया, वापस से लो बनाया, यहाँ से एक लो बनाया, तो ये नेक लाइन है, ब्रेक करके यहाँ से यहाँ तक इसने टारगेट दिया है, ठीक है, क्लियर टारगेट दिया है। ऑलराइट, उसके बाद अगर कहीं पर नेकलाइन बनाया तो यहाँ पर वापस से बनाया, लेकिन यहाँ पर ये दो हो गया है, तो मैं इसको भी कह सकूँगा कि ये ऐसे जाके ऐसे आया, यहाँ पर ये लो बनाया है, यहाँ से जाके ऐसे बनाया, तो ये भी एक नेकलाइन है और इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसने एक अच्छा मूव दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लियर है कि मेरा बीच का जो है सबसे मतलब वो नीचे रहना चाहिए और ये साइड में जो है वो उससे ऊपर रहना चाहिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, यहाँ पर जरा मैं देखता हूँ कि इसमें मेरा कैसे यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेड बनेगा। और ये जो मेरा है, या ये जो पहला वाला जो है मेरा
लो स्विंग, वहां पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है ये, अदरवाइज ये 1:2 का इसने यहाँ पर टारगेट दिया है, ठीक है। ओके, देख सकते हो, ठीक है, 2.63 का रेशियो, तो 1:2 का टारगेट इसने दिया है। ऑल राइट, तो यहां पर कहीं पर भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। अगर मैं यहां पे कहीं पर देखूं कि मुझे यहां पर कहां मिला, तो यहां पर देखिए 4 हो गया है, तो ये मेरा उसमें आ ही नहीं रहा क्योंकि ये इसके ऊपर है और ये फिर वो आपस से ऊपर हो गया, तो ये बीच में फिर मेरा फिर से इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो मुझे कैसा है कि अगर मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं तो मुझे उस तरीके का सिस्टम मिले, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां छोटा सा मुझे मिल रहा है, एक यहां पर पैटर्न आप देख रहे हो, ठीक है, छोटा सा पैटर्न यहां मिल रहा है, ठीक है, छोटा सा पैटर्न मिल रहा है। तो यहां पर अगर मैं ट्रेड लेता हूं कि ये नेकलाइन अगर ब्रेक किया तो वहां तक मुझे इसने टारगेट दिया, तो अगर मैं यहां पे एक ट्रेड लेता हूं, ठीक है, क्लियरली देखिए ये नेकलाइन यहां पर ब्रेक हो रही है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे यहां पर टारगेट मुझे देना चाहिए 1:2 का, ठीक है। तो हो जाता है कई बार 1:2 का आपको ना मिले, यहां पर ओके यहां पर दिया 1:2 का रेशियो, ठीक है, यहां तक इसने यहां पर मुझे टारगेट दिया हुआ है। ऑलराइट, सो अभी मैं डाउनसाइड का देखूं यहां पर, तो डाउनसाइड का कहीं पर मुझे मिल रहा है नहीं, यहां पर नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी यहां पर रिलायंस में एक बार बना था, तो मैं आपको रिलायंस का दिखा देता हूं, ठीक है। ज्यादातर स्टॉक में आपको यह बहुत अच्छे से दिखेगा, ओके, ठीक है, तो स्टॉक का मैं आपको दिखा देता हूं। ऑलराइट, ठीक है, सो स्टॉक में डाउन साइड में कहीं बना है नहीं, डाउन साइड में नहीं बना है, ओके, डाउन साइड में कहीं ट्रेड नहीं बना है, ये पहले का ट्रेड है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। सो लेट मी शो यू कि यहाँ पर कहीं बना हुआ है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न नीचे की ओर बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर बना है या यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ओके यहाँ बना है, ये देखिए, ठीक है, वहाँ पर भी आपका बना हुआ है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा परफेक्टली बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्लियरली, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ऑलराइट, तो जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आएगा ऐसे ऐसे जाएगा, ये आपका हेड बना, शोल्डर पहले बना है, ये बना है, और यही जो नेकलाइन है इसको यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रेड यहाँ पर क्लियरली बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का काउंट करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है यहाँ पर, 324, ठीक है, मेरा एंट्री कहाँ पर हो रहा है, 3210 पर, ठीक है। सो 3224, ठीक है, 3224 का मेरा स्टॉप लॉस है और 3210 पर मेरा एंट्री है, ठीक है। सो मतलब ऑलमोस्ट आप कितना देखोगे, 15 पॉइंट का मेरा यहाँ पर, 14 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक रुपया बफर को रख लीजिए, तो बफर के हिसाब से मेरा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। सो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर टारगेट रखता हूँ, ठीक है, कि मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 1:2 का रेशो मिले, तो 1:2 का रेशो से ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 1:2 का रेशो मिला है कि नहीं, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ऑलराइट, तो ओके, ठीक है, ये मेरी एंट्री है और 1:2 का रेशियो मुझे चाहिए, जस्ट अ मिनट, ये रहा, ठीक है, 1:1.9 थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है,
ओके ये अलग लीजिए, ठीक है। सो 1:2 का टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिला है, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, या तो जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो मैं हेड की बात कर रहा हूँ, उसके हाई लेवल पे आप रख सकते हो, या तो जहाँ से ब्रेक कर रहा है वहाँ पे लेटेस्ट स्विंग पे भी रख सकते हो, दोनों आपको काम करेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट स्विंग है उस पर भी रख सकते हो, या तो ज़्यादा सिक्योर रहना तो आप जो हाईएस्ट वाला जो हेड है वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेटेस्ट वाले पे रखोगे तो आपको रेशो और अच्छे से मिल जाएगा, हेड वाले पे रखोगे तो रेशो में भी आपको 1:2 या फिर उससे कम लेना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया, अभी बात करते हैं हेड एंड शोल्डर, अभी बात करते हैं आपको आइलैंड रिवर्सल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। सो जब मैं बात करता हूँ आइलैंड रिवर्सल के बारे में, ठीक है, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। सो आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बहुत ही एक उमदा टेक्निक होता है ट्रेड करने के लिए, ज्यादातर ये गैप अप और गैप डाउन में यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर गैप अप गैप डाउन में यूज होता है। तो देखो कैसा होता है कि मान लीजिए कि कभी भी मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में है, तो जब वो गैप डाउन या गैप अप, जो गैप होता है उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो ज्यादातर वो रिवर्सल का टेक्निक होता है, ठीक है। आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी आप देखें मार्केट इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जहां पर भी गैप डाउन होता है, ठीक है, अक्सर देखिए यहाँ पर गैप डाउन हो गया और यहाँ पर ये इस तरीके से मूव करके आया और यहाँ पर गैप डाउन होकर इस तरीके से इसने यहाँ पर साइडवेज बनाया, ठीक है, साइडवेज बनाया, और उसके बाद ये साइडवेज बनाने के बाद अगेन यहाँ पर गैप अप होता है और यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये जो ऊपर से गैप डाउन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो गैप बना है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये गैप बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की ओर यहाँ ब्रेक करता है तब मेरा ट्रेड बनता है। ये नीचे जो छोड़ा हुआ हिस्सा रहता है ये एक आइलैंड के जैसा काम करता है, जैसे आप देखोगे किसी नदी या समुद्र में कि एक अलग हिस्सा एक छोर पे रहता है और वहां से आप देखोगे नया जमीन शुरू होता है, तो वो उसी तरीके का काम करता है, ठीक है। इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार देखोगे जो इसी ट्रेंड को पूरा फॉलो कर रहा है, अभी हमें क्या लगता है कि गैप डाउन हुआ है ये यहाँ से फर्दर नीचे जा सकता है और वहीं पर लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि यहां पर जब ये आइलैंड बनाता है ना तो आप यहां पर ऑलवेज वॉल्यूम को चेक करिए। स्टार्टिंग में आपको वॉल्यूम के बार बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, काफी बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन यहीं पर आगे जाते हो ना यहां पर बीच में वॉल्यूम हमेशा कम होना शुरू होते हैं, ठीक है। एंड जब यहां से गैप अप होता है, ठीक है, नेक्स्ट जब गैप अप होता है यहां पर वॉल्यूम के बार बढ़ना शुरू करते हैं और यहां से मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड बनाता है, ठीक है। सेम किस्सा हुआ था निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी ट्रेंड के हिसाब से जब वो नीचे आ रहा था गैप डाउन हुआ, फिर वहां पर आगे जाके गैप अप हुआ और वहां से वो ऊपर की ओर चल गया, ठीक है। सो हम लोग आइलैंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए आइलैंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में देखते हैं और उसका ट्रेड भी देखते हैं कि किस तरीके से मुझे सेटअप मिला हुआ है, ठीक है। सो आइलैंड रिवर्सल ज़्यादातर आपको किस में मिलेगा, जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्सेस में बात करूँ तो ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा है, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो चलिए आपको बैंक निफ्टी में दिखाते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ पर हमने लगाया है और टाइम फ्रेम लगाया हमने 5 मिनट, ठीक है। सो जैसे कि मैं आइलैंड रिवर्सल की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि कई बार देखो कि जो ट्रेंड है अपवर्ड की ओर ट्रेंड रहता है, ठीक है, फिर वहाँ पर आप देखोगे एक बार आपको वहाँ पर गैप डाउन मिलता है, ठीक है, लेकिन वो गैप डाउन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आप देखोगे कि वॉल्यूम काफी कमजोर हो जाता है एंड अगेन नेक्स्ट डे या फिर उसके आने वाले दिनों में वहां पर आपको गैप अप मिलता है और उसी पर्टिकुलर जोन से एक पूरा गैप अप मार के वो ऊपर की ओर वापस से चला जाता है। तो जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर एक बार गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और ये पूरा गैप डाउन यहां पर फॉलो करता है, हो सकता है कि वो अगले दिन भी इसी चीज को इस तरीके से फॉलो करे, ठीक है, उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप डाउन हो, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि ये आपस में मतलब थोड़ा साइडवेज ही रहता है लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। तो जैसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है,
तो बैंक निफ्टी आप देखोगे वो ऑलरेडी बहुत पूरा उसको ब्रॉड व्यू देखोगे तो बहुत बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर पूरा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे देखोगे कि नेक्स्ट डे भी वहाँ पर नीचे की ओर ही ओपन है, लेकिन उसका लो उसने ब्रेक नहीं किया। और अगले दिन आप देख सकते हो कि गैप अप मार्केट किस तरीके से इसने मुझे वापस से उसी लेवल पे एक अच्छा खासा पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे 51,750 से वो 52,270 तक, मतलब एक ही दिन में उसने 500 पॉइंट का मूव वहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेड है ये आप इंट्राडे भी कर सकते हो और इस वाले ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप एकदम ज़्यादा कन्विक्शन रेशो आपका ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये जो स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो इसमें आप कुछ ज़्यादा ही महारत आपने हासिल की है, तो आप इसको एक दो दिन के लिए भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर ये मैंने आपको गैप डाउन का दिखाया कि एक बार ट्रेंड जो फॉलो कर रहा है तो कैसे एक बार रिवर्सल यहाँ पर होता है, इसलिए इसको आइलैंड रिवर्सल बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह के यहाँ से इसने साइडवेज बनाया, अगेन गैप अप मार के ऊपर गया। अभी जो उल्टा वाला रिवर्सल होता है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कैसे ऊपर वहां पर गैप अप मारा, ठीक है। वहां से देखिए पूरा यहाँ पर नीचे गैप डाउन किया और सेम डे पे देख सकते हो कि सेम डे पर वहां पर वापस से 500 पॉइंट्स का यहाँ पर इसने मूव दिया है, ठीक है। उसी चीज को फॉलो करते हुए उसने आगे भी सेम लेवल का उसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अगर कहीं पर आप देख सकते हो जो पैटर्न मैंने आपको जो बताया इसमें, अगर यहाँ पर इसी को आप उल्टा करोगे तो आपको बेरिश वाला मूवमेंट मिलेगा और इसको फॉलो करोगे तो आपको बुलिश वाला मूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्राइस एक्शन टेक्निक, जो हमने दो टेक्निक सीखी, एक हेड एंड शोल्डर सीखी, हेड एंड शोल्डर, और एक दूसरा आइलैंड रिवर्सल पैटर्न हमने सीखा, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारी वाली वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, और कॉन्सेप्ट के टूल के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ऊपर नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।